हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो हमारे पार्टनरशिप के ऊपर है जिसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्टनरशिप एक्ट केम इन टू फोर्थ बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है नाइनटीन थर्टी फिफ्टी सिक्स फोर्टी सेवन एंड फिफ्टी टू बहुत सिंपल है थर्टी टू ठीक है थर्टी टू में ये एक्ट फोर्स में आया था नेक्स्ट है पार्टनरशिप हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो फ्रेंड्स पे भी स्टूडेंट्स uh, बहुत सारी क्वेरी होती है कि यहाँ पर पूछा नहीं गया है किस एक्ट के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स पे फिर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक्ट मेंशन नहीं है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं और वैसे मिनिमम है तो मिनिमम तो पार्टनरशिप में टू ही होते हैं तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग बिजनेस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अब जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें तो मैक्सिमम right अब यहाँ पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग uh, लेवल के क्वेश्चन हैं थोड़ा आपको समझना होगा इसके बारे में और जैसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हो गया जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठीक है तो अगर उसकी एब्सेंस है तो वो लोग आपस में प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल डैट रेशियो एंड एंड नन ऑफ दीज तो देखिए यहाँ पर अगर जो भी उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड होती है या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पर एबसेंट है तो वहाँ पर उनके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए तो लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहीं दे देती हूँ जिससे कि हो सकता है आगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चन करें तो आप इजिली उनका आंसर कर जैसे कि देखिए जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है आप सबको पता है नाइनटीन थर्टी टू है ठीक है और उनके जो अगर हम बात करें उसके जो आर्टिकल्स होता है ट्वेल्थ से लेके सेवेंटीन आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एबसेंट है तो वहाँ पर क्या करेंगे तो देखिए जो भी पार्टनर्स होंगे अगर वो डीड वहाँ पे एबसेंट है तो सबको इक्वल राइट right होगा किस चीज़ का उस बिजनेस को करने का इक्वल राइट होगा वो लोग उस जो भी बिज़नेस वो कर रहे हैं वहाँ पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और सबको ही उसमें अपना वर्क करना होगा ठीक है फर्स्ट यहाँ पर ये आ गया सेकेंड अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनके बीच में अगर किसी भी तरह का क्या होगा डिस्प्यूट होगा डिस्प्यूट से रिलेटेड ये दे रखा है अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पर पहले तो कोशिश करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर वहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो जिसको आप बहुमत बोलते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोट है वो किसके फेवर में आ रहे हैं उसके बेसिस पर वो किया जाएगा ठीक है इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वहाँ पर यह बताया जाता है कि जो भी पार्टनर्स होंगे फर्म्स की जितनी भी बुक्स होती हैं उन बुक्स को देखने का उनका राइट होगा यानी सभी पार्टनर्स को राइट है कि वो अपने जो भी बिज़नेस है पार्टनरशिप बिजनेस उनकी जो ऑडिट बुक है या फिर जो भी रिकॉर्ड्स की जाती हैं वो बुक्स को सबको देखने का राइट होगा ठीक है फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ वहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप में जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें उनको अगर अलग से कोई सैलरी या कोई भी वो वर्क करते हैं तो वो नहीं दी जाएगी क्या है सैलरी जो है इसके अंदर ये कहा गया है नहीं दी जाएगी और अगर सैलरी दी जाएगी तो उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा कि वो सैलरी कितने परसेंट से या किस हिसाब से दी जा रही है लेकिन यहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन पारिश्रमिक या फिर कोई भी हार्डवर्क करता है तो उसके बदले में उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी फिफ्थ जो रूल यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनर्स के बीच में वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल तो आप इसे नोट कर लीजिए सिक्स यहाँ पर जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि कोई भी पार्टनर होगा तो अगर जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है जिसको हम पूंजी बोलते हैं उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो उसको राइट होगा उस पर इंटरेस्ट लेने का और ऐसा ब्याज जो इंटरेस्ट होगी वो सिर्फ प्रॉफिट में से दी जाएगी कहाँ से दी जाएगी वो प्रॉफिट में से दी जाएगी ठीक है तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं तो और भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम धीरे धीरे उनको डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर इन पार्टनरशिप अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनरशिप में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है जो भी मैंने डिस्कस किया थे लेकिन यहाँ पर क्या है ऑप्शन अलग हैं इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ऑप्शन बिना देखे भी उस चीज को ईजिली रिकॉल कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या आंसर होगा अब यहाँ पे क्या है ऑप्शन बदल गए ऑप्शन है इन द सेम प्रपोर्शन इन प्रपोर्शन टू कैपिटल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एंड नन ऑफ दी अब अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ठीक है लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिव नहीं होता है तब आंसर क्या होगा इक्वल ठीक है ये याद रखिएगा तब आंसर हो जाएगा इक्वल नेक्स्ट है अ कॉमन पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि कॉमन पार्टनरशिप जो है कॉमन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं है कुछ पार्टनर से ऐसे होते हैं जो पर्पस से इस्टबलिश की जाती हैं ठीक है ठीके? या किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो अगर हम डिवाइड करें फर्दर उनको तो नेचर में आती हैं टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आती हैं लेकिन यहाँ पे कॉमन पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो उसमें मैक्मम कितने पर्सन होंगे टू ट्वेंटी टेन एंड फोर तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम ट्वेंटी होंगे तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अकाउंट इज़ शोन द डिक्रीज इन डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ़ द प्रॉपर्टी एंड इंक्रीज इन दैल्यू ऑफ़ दी लाइबिलिटी यानी कि ऐसी कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी असेट्स में के प्राइस में कमी आ रही है यानी कि वैल्यूज़ की डिक्रीज हो रही है और जो हमारी लाइबिलिटी है उसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वो हमारे किस अकाउंट में दिखाया जाता है इन कैपिटल अकाउंट ऑन द डेटर साइड ऑफ रिवेल्यूशन रिवेलूशन अकाउंट या फिर ऑन द्रेडिटर साइड ऑफ द रिवेल्यूशन अकाउंट या फिर none of these. तो देखिये यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर ये यह बोल रहा है संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि तो इससे क्या हो गया आप यहाँ पर तो यहाँ पर जो सारी चीजें किसके बेसिस पे की जा रही है रिवेल्यूशन यानी जो हम असेट्स का द्वारा से रिवेल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें इस तरह की कंडीशन हमारी सारी डेबिट साइड में शो की जाएंगे जिसको हम डेटर साइड भी बोलते हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो ये दोनों यहाँ पर एक ही तरह की हमारे इंडिकेशन दे रही हैं तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट के हमारे ऋणी पक्ष में जाएंगे ठीक है तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप जरूर बताइएगा हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फेम बाय फेम का जगह आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुडविल ठीक है क्या है गुडविल द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स ऑन ब्रिंगिंग द कैश यानी कि कोई भी नया पार्टनर जो है वो जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसको किस रूप में उसको बांटेंगे ये बताना है यहाँ पर ठीक है इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तो यहाँ पर देखिए जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है तो आगे जाके यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस में एक लाख का प्रॉफिट होता था ठीक है अब पहले उसमें दो पार्टनर थे तो फिफ्टी फिफ्टी वो लोग बांट लेते थे, थे आपस में लेकिन अब तीन पार्टनर आ गए और इक्वल के हिसाब से अब उनके पास क्या रहेगा फिफ्टी फिफ्टी नहीं रहेगा उनका प्रॉफिट का पोर्शन कम हो जाएगा तो यानी कि क्या हुआ सभी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट दिया उसको प्रॉफिट देने के लिए या फिर उसका पोर्शन देने के लिए तो ये क्या हो गया उन्होंने सेक्रीफाइस किया इसीलिए जिस अमाउंट परसेंटेज से या फिर जितना अमाउंट से वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में उनको ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ठीक तो है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जितना उन्होंने अपने पास से किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोर्शन देने के लिए उतना ही उसी रेशियो में उसको ये गुडविल का अमाउंट पे कर दिया जाएगा जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो ठीक है तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसके गुडविल अमाउंट को ले लेंगे नेक्स्ट है रिवेल्यूशन अकाउंट इज अब आपको बताना है जो हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवेल्यूशन अकाउंट ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ना ही किसी पर्सन से रिलेटेड है ना ये हमारा रियल अकाउंट को शो कर रहा है क्योंकि रियल अकाउंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इस पर लागू नहीं होते हैं तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा नाम मात्र का खाता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यानी कि जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन डेशन लॉस एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है नेक्स्ट है है प्रॉफिट प्रॉफिट और और लॉस लॉस बिल बाय अब जो एंड वो जो सफर किया जाता है के द्वारा वो किसके द्वारा किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा न्यू पार्टनर्स के द्वारा ऑल पार्टनर्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए जब हम यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा क्योंकि देखो कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तभी हम वैल्यू को रिवेलुएट करते हैं कि कितनी एसेट्स है कितनी लाइबलिटी है ठीक है क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम उससे जो गुडविल अमाउंट होता है या फिर जो कैपिटल होती है वो हम उससे मांगते हैं तो वो जब अपना पोर्शन लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन क्यों करवाएगा तो वो किया जाता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन यहाँ हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक ऑफ लाइबिलिटी अब लाइबिलिटी में कमी आ रही है किसी भी तरह की तो वो क्या शो करती है लॉस को प्रॉफिट को एक्सपेंस को या फिर रिसीप्ट को तो अगर हमारी लाइबिलिटी में कमी आ रही है तो ये तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट बता रही है यानी कि ठीक है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा द कंपनीज़ नेशनैलिटी इज़ डिसाइडेड बाई इट्स यानी कि कंपनी की नेशनैलिटी है कि वो किस नेशन से बिलोंग करती है वो इंडियन है या फ़ॉरन है या फिर वो किस कंट्री की है या किससे डिसाइड किया जाता है उनके शेयर होल्डर्स से रजिस्टर्ड ऑफिस से या फिर उस जगह से जहाँ पर ये बुक जो अकाउंट्स हैं वो रखे गए हैं या फिर नन ऑफ दी अब फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश में है मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश में डिस्कस करो कुछ बोलते हैं हिंदी में तो क्वेश्चन इंग्लिश में हैं और मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं हिन्दी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पर पर ये पूछा है है, है? है कि की जो होती हो, होती है? तो फ्रेंड्स ये उसकी होती किससे तो तो उसकी से। कोई भी जहां भी हुई होगी, वो ऑप्शन तो टू आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टेचुरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कन्वेड यानी कि जो स्टेचुरी मीटिंग होती है कंपनी की वो कब होती है वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी यानी कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार वंस इन सिक्स मंथ्स यानी कि छः महीने में एक बार वंस इन थ्री मंथ्स यानी कि तीन महीने में एक बार तो फ्रेंड्स जो स्टैचुटरी मीटिंग होती है वो कंपनी की जो पूरी लाइफ होती है उसमें सिर्फ एक बार होती है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ यानी कि जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो किसका मेथड है वैल्यूशन ऑफ इंटरे इन्वेंट्री कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिड्रेशन अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन या फिर वैल्यूइंग गुडविल तो फ्रेंड्स पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात की जाए तो ये मेथड है अमलगमेशन की अकाउंटिंग का तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे विच अकाउंट विल भी डेबिटेड विद नॉमिनल वैल्यूज ऑफ देम यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि डायबिट होगा नॉमिनल वैल्यूज से शेयर की जहाँ पर हमारे जो शेयर जो होते हैं वो इश्यूड किए जाते हैं प्रोमोटर्स को उनके द्वारा सर्विस देने पर तो ये क्या कौन से एक्सपेंसिस कहलाए जाएंगे प्रिमिलनी एक्सपेंसिस अकाउंट या फिर गुडविल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे या फिर शेयर कैपिटल से तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये यह बात की जा रही है कि जब हम प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं शेयर उनके द्वारा सर्विस देने पर तो ये एक तरह से गुडविल का वो शोरी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर ये होगा तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे डेबिट की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पे गुडविल के अकाउंट से तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन थ्री है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक काम क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये इनको इशू किया जाता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनको इश्यू करके क्योंकि यहाँ पर वो उनकी हेल्प करते हैं कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज़ करने में तो यहाँ पर इससे उनकी इंक्रीज होती है वैल्यू कंपनी की इसलिए यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में यहाँ पे शो किया जाता है उनको डेबिट करके तो ऑप्शन थ्री आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एस टू यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है वो किस से रिलेटेड है द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन या फिर डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के तो फ्रेंड्स ये पार्ट होता है हमारा डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का पर्पज़ होता है जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कलोजर हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सके सबके साथ तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो है उसका ये पर्पज़ बताती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ़ दॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेन्जेंट लाइबिलिटी यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि कंटेजेंट लाइबिलिटी का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है लाइबिलिटी अंडर गारंटी इंटरम डिबिडेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड या फिर नन ऑफ दी अप तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा कंटेजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो इंटरम डिबिडेंट हमारा कंटेन्जेंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है तो ऑप्शन टू यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन यानी कि जो इंटरेस्ट है हमेशा कैलकुलेट की इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट जो होते हैं वो कैलकुलेट की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंडर परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग द ट्रांसफरी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स यानी कि जो परचेज uh, मेथड जो है अकाउंटिंग का उसमें ट्रांसफरी कंपनी जो होता है वो इनकॉर्पोरेट्स करता है उसकी बुक्स में क्या द असेट्स लाइब्रिटीज एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी या फिर दाइबलिटी एंड स्टेचुरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी द असेट्स लाइबिलिटीज एंड स्ट्रेचरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी या फिर द द एंड ऑफ ट्रांसफर कंपनी तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो परचेज मैथड ऑफ अकाउंटिंग है उसके तहत अगर हम बात करें ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स अपनी बुक्स में क्या शो करता है तो वो अपनी बुक्स में शो करता है असेट्स को लाइबिलिटीज को जो भी उसके स्ट्रेचुचरी रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के उसको वो दिखाता है तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा

आउट ऑफ प्रॉफिट से भी या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन फोर है वो राइट right आंसर होगा क्योंकि ये फोर थर्ड तीनों जो मेथड दे रखे हैं इनसे हम अपने प्रिफेंड शेयर को रिडीम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं When two or more companies liquidate to form a new company, it is called यानी कि जब दो या दो से अधिक कंपनी लिक्विडेट होती हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं अमलगमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन या फिर परचेज ऑफ़ बिज़नेस। तो फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई फौर, कंपनी फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं अमल का मिशन तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन में है एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन

बताया गया है वो बताया गया है शेयर होल्डर्स के लिए तो ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन जो ओरिजिनल परचेजर है उससे टू दी होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट रेस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी कि जो सिक्योरिटी का होल्डर है और जो उसकी ड्यू डेट होगी उस पर जो एक्चुअल पीरियड में जो होल्डिंग होगी जिसकी उसके द्वारा या फिर टू दी होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑन ड्यू डेट इज रेस्पेक्ट ऑफ ऑफ होल्डिंग में जो उसका होल्डर होगा का, उस ड्यू डेट तो फ्रेंड्स पेड तो से की जाती है होल्डर को जो भी सिक्योरिटी का होल्डर होगा ड्यू डेट पर इ रेस्पेक्टिव ऑफ इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू फ्रेंड्स यहाँ पे इेस्पेक्टिव है इर रेस्पेक्टिव ठीक है रेस्पेक्टिव की जगह इर रेस्पेक्टिव है तो यहाँ पे ऑप्शन टू आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बताया गया है कि एंड रिड्यूस वर्ल्ड आर टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट एस पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ यानी कि जो एंड वर्ल्ड यूज है वो हम uh, किसके अकॉर्डिंग शो करते हैं बैलेंस शीट में कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या फिर सेवी के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें एंड रिड्यूस वर्ल्ड की ये शो किया जाता है बैलेंस शीट में तो फ्रेंड्स ये शो किया जाता है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ़ दिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेडोर दिन जनरल यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो कि सबमिट हो जानी चाहिए एनुअल जर्नरल मीटिंग के पहले ही अकॉर्डिंग एज पर दिन की कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एनुअल जर्नरल मीटिंग होने से पहले ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट है जो कि सबमिट हो जानी चाहिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट या फिर तो फ्रेंड्स so अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स एनुअल जनरल मीटिंग से पहले डायरेक्टर रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है ये सब कुछ हमारा पहले ही सबमिट हो जाना चाहिए जिससे कि इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में इनके ऊपर डिस्कशन किया जा सके तो फ्रेंड्स ये तीनों ही चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसलिए ऑप्शन फोर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि हम एक वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस ना करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भी आ, किसी भी तरह की क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं और विच वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय